சாந்தம் சாஸ்ததம் பிரமேயநகம் நிர்வாண சாந்திம் பிரதம் பிரம்மா சம்பு ஃபணீந்திர சேவ்ய மனிஷம் வேதாந்த வேதம் புவம் ராமாக்கியம் ஜகதீஸ்வரம் சுரகுரும் மாயா மனுஷ்யம் ஹரிம் வந்தேஹம் கருணாகரம் ரகுவரம் பூபால சூடாமணிம். एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तो, कन्हैया कैसेट झांसी के माध्यम से विभीषण शरणागति रामायण का एक विलक्षण प्रसंग इस कैसेट में आप श्रवण करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम दो लाइनें प्रभु के चरणों में। प्रेम ही संसार है, बिना प्रेम के भगवान भी प्रसन्न नहीं होता, बिना प्रेम के संसार की रचना नहीं है। यह संसार क्या है आप जानते हैं? संसार प्रेम है, स्त्री और पुरुष का प्रेम ही संसार है। जब स्त्री और पुरुष प्रेम करता है तब संतान की उत्पत्ति होती है और इसी से संसार की रचना आगे बढ़ती है। तो आइए सर्वप्रथम दो लाइनें। मन को बस करी राखो, मन को बस करी राखो, प्रेम रस तब चाखो। मन को बस करी राखो, प्रेम रस तब चाखो। मन से सावधान नित रहिए, जय जय। मन से सावधान नित रहिए, दांव है इसी के लाखों, दांव है इसी के लाखों, प्रेम रस तब चाखो। मन को बस करी राखो, प्रेम रस विषय भाव यत्न करी मेटो, विषय के भाव यत्न करी मेटो, रहना पड़े चाहे फाको, रहना पड़े चाहे फाको, प्रेम रस तब चाको। जय, रहना रहना पड़े चाहे फाको, रहना पड़े चाहे फाको, प्रेम रस तब चाखो। अरे मन को, मन अपमान सभी सह लीजे, मन अपमान, मन अपमान सभी सह लीजे, कटु का बचन मत माखो, अरे कटु का बचन मत माखो, प्रेम रस तब चाखो। निजानंद में मस्त रहो नित, निजानंद में मस्त रहो नित, जग की ओर मत झांको, अरे जग की ओर मत झांको, प्रेम रस तब जाको। मन को बस कर राखो,
स्वामी बलजीत कोई जन बिरला स्वामी बलजीत कोई जन बिरला ब्रह्मलीन मन जाको प्रेम रस तव चाको मन को प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वह वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। भक्तों जिस समय प्रभु की सेना समुद्र के किनारे पहुंचती है रावण को इस बात का पता चला अपनी समस्त राक्षसी सेना के साथ दरबार में बैठा है। बंधु ये समाचार विभीषण को जब मिलता है दौड़ पड़ा भैया के चरणों में सिर झुकाया कहने लगा दादा मेरी एक बात मान जो आपन चाहो कल्याणा जो आपन चाहो कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना जय यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी एक बात कौन सी भैया मेरे कथनानुसार यदि आप कल्याण और सुख संपत्ति चाहते हो सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद गिनाई यदि आप कल्याण चाहते हो तो पराई स्त्री को आप वैसे ही त्यागन कर दो जैसे भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा का परित्याग कर दिया जाता है। इसकी कथा बड़ी विचित्र है। खैर आइए मैं इतना ही संकेत करता हूं। विभीषण कहने लगा भैया आप चौथ के चंद्रमा की तरह उस सीता का परित्याग कर दो। भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भैया ये हमको नरक की ओर ले जाते हैं। कौन कौन सी चीजें हमारा समस्त समाज जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं इस लाइन को विशेष ध्यान से सुने। विभीषण की बात रावण के प्रति काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजई यही संत। भैया काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमें नरक की ओर ले जाते हैं इसलिए इन सब का परित्याग करके भैया रावण
भगवान राम का भजन करो। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू के तारा। भजहू राम बीनु हे तू सने, भैया सीता प्रभु को समर्पित कर दो। बार बार पद लागू विनय करो दस शीश, परिहरि मान मोह मद भजहु कोशलाधीश। भैया शास्त्र बतलाते हैं ये सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है, लेकिन ये आप जानते हो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सीता को साधारण मत समझो, शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात। भैया तुम सीता को साधारण मत समझो, उन्हें तास दे अंत में कुशल नहीं है भ्रात। भैया सीता को तुम साधारण सीता मत समझो, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है, इसलिए उनको कष्ट दे करके तुम कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। भैया इसलिए कहना मानो मेरा। मेरे बंधु विभीषण ने बार बार समझाया रावण को, लेकिन एक भी नहीं मानता। जब विभीषण का ऐसा वाक्य सुना तो बंधु सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट अमरा तू अब आई। अरे जिया ती सदा सच, जिया ती सदा सच मोर जिया, रिपु कर पक्ष रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही वावा। बंधु जैसे विभीषण ने समझाया रावण क्रोधित होकर के दुर्वचन बोलते हुए और भक्तो अपनी लात को उठाता है, आशा कही कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बारा। रावण ने लात का प्रहार किया विभीषण के ऊपर, विभीषण ने भैया का चरण पकड़ करके वंदना की। भोले बाबा कहने लगे भवानी देख रही हो, उमा संत कै यहाई बड़ाई, देखा तुमने
संत की विशेषता देखी, विभीषण संत है, लात मारी फिर भी लात को सहला करके उपदेश ही दिया। भवानी क्या बोला विभीषण, कहने लगा भैया रावण से, भैया तुम अपितु सारी सब भले ही मोहे मारा, तुम अपितु सारी सब भले मोहे मारा, रामू भाजे ही तैनात तुम्हारा। भैया रावण तुमने मुझे लात का प्रहार किया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, लेकिन मैं तुम्हें बतलाता हूं बगैर भगवान का जाप किए, बगैर भगवान की शरण गए हुए तुम्हारा कल्याण नहीं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनी खोर। भैया अब मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना मेरे बंधु, ऐसा कहकर के चल पड़ा। आस कही चला विभीषण जब ही, आस कही चला विभीषण जब ही, आयु हीन भय सब तब ही। ऐसा कहकर के विभीषण ने प्रस्थान कर दिया। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जैसे विभीषण ने प्रस्थान किया, समझ लो राक्षसी सेना आयुहीन हो। बंधु लिख रहे हैं तुलसी महाराज, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु कन्हैया भागा। अभागा क्यों लिखा गया? संत का दर्शन ही भगवान का दर्शन। आज संत बिछुड़ गया है, अभागा। और विभीषण नाना प्रकार की भावनाएं मन में लिए हुए जा रहा है, क्या सोचता है? देखी हो जाई चरण जल जाता, जय जय जा रहा है सोचता हुआ प्रभु के पास। अरे देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुणम्र दुल से बका सुख दाता। आज मैं प्रभु के उन चरणों का दर्शन करूंगा, कौन से पर कौन से चरण है प्रभु के? जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नए नहीं अब जाए। नाना प्रकार की भावनाएं मनोरथ को लिए हुए जा रहा है। यही विधि करत सप्रेम बिचारा, आये ओ सपदी सिंधु ये ही पारा।
बंधु, विभीषण समुद्र के इस पार आया। बानरी सेना ने देखा कपिन विभीषण आवत देखा, कपिन विभीषण आवत देखा, आना को रिपु जाना को रिपु दूत विशेखा। विभीषण को आते हुए देखा, बानरी सेना ने विचार किया ये राक्षसों का कोई दूत तो नहीं है। रघुवीर भगवान प्रभु के पास में दौड़े, सुग्रीव कहने लगे प्रभु, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, कहा सुग्रीव कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन सुग्रीव दौड़े प्रभु, रावण का भैया आ रहा है विभीषण। भगवान कहने लगे तो इसमें पूछने की क्या बात, अरे इसमें पूछने की क्या बात है सुग्रीव। सुग्रीव कहने लगे प्रभु, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं, जानी न जाई निशाचर माया। महाराज पूछने की बात क्यों नहीं, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। महाराज भेद हमार लेन सठ आवा, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिया बांधी मोही अस भावा, राखिया बंधु। सुग्रीव कहने लगे प्रभु, राक्षस है, पता नहीं हमारा भेद तो नहीं लेने आया, इसलिए मेरे मन में विचार आता है किसको बांध के रखा जाए। भगवान क्या बोले, सखा नी की तुम कहा, अरे भैया सुग्रीव, सखा नी की तुम नी कभी चारी, लेकिन ममपन शरणागत भयहारी, लेकिन मैं शरणागत की, मैं शरण में आए हुए की रक्षा करता हूं विभीष सुग्रीव। जब प्रभु ने ऐसा बोला, आह सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुनी प्रभु वचन, भगवान ने जब ऐसा कहा कि मैं शरणागत में आए हुए की रक्षा करता हूं, हनुमान जी महाराज मुस्करा गए। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवान शरण जय। भगवान शरणागत में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, हनुमान जी महाराज मुस्कराए। शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मैं तिनही बिलोकत हानि। भक्तो जरा स्वामी जी की इस लाइन पर विचार करें, शरणागत कहूं जे तजही, शरण में आए हुए की जो रक्षा नहीं करते, अपना हित समझ करके अपना अनहित समझ करके शरण में आए हुए की जो रक्षा नहीं करता है,
शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानि ते नर पावर पाप मैं तिनहिं बिलोकत हानि। ऐसे मनुष्य पापी हैं और ऐसे मनुष्य को देखना भी हानि है। समझे भक्त, रामायण की एक एक चौपाई, एक एक बात लाखों रुपए। बंधुओं, भगवान क्या बोले, सुग्रीव कोटि विप्रबध ला गही जाहू। अरे सुग्रीव, करोड़ों ब्राह्मणों को मारने पर जो पाप लगता है, कोटि विप्रबध ला गई जाहू, आए शरण तजो नहीं काऊ। भगवान कह रहे कि करोड़ों ब्राह्मणों को मारने से जो पाप लगता है, मेरे सामने आने पर मैं उसको भी स्वीकार लेता हूं। क्यों? आगे की लाइन को देखें। सन्मुख हो ये जीव मोए जब ही, सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनाशय तव ही। ये पापी भी है तो भी सन्मुख हो ये जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अघनाशय तव ही, मेरे सामने आते ही करोड़ों जन्मों के पाप क्षार हो जाते हैं। अर्षग्री, पहली बात तो ये है कि पाप बंत कर सहज स्वभाव। पापी आदमी का तो ये स्वभाव है सुग्रीव। क्या स्वभाव है पापी का? सुनो भक्तों, पापी आदमी का स्वभाव पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरी ते ही भावन काऊ। पापी आदमी को मेरा भजन अच्छा ही नहीं लगेगा सुग्रीव। जो पे दूष्ट है दो, अगर जो पे दूष्ट है दय सोए होई, मोरे सन मुख आवती सोई। अरे निरामल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छी ब्रनवावा।